अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ। कितनी खिली खिली सी धूप निकली है आप देख सकते हो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग और रेसिपी कुछ भी नहीं डाली हूँ। दो दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। आज खिली खिली धूप देखकर बहुत ही मज़ा आने लगा मुझे। रात भर बहुत हेडेक था और थोड़ी तबीयत की वजह से मैं आज लेट उठी हूँ। 8:30 बज चुके हैं तकरीबन। मैं धूप देखकर आई हूँ, थोड़ा अच्छा सा फ्रेश होने लगा है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। आज जो भी बनेगा मेरे अफ़ान और अफसा की रिक्वेस्ट पर ही बनेगा। बच्चों से कहा कि मैंने आप क्या खाएंगे बेटा, तो उन्होंने कहा कि हम मैक्रोनी खाएंगे। तो आज मैं मैक्रोनी बनाने लगी हूँ। तकरीबन अभी 9:15 बज चुके हैं। मैं चिकन मैक्रोनी बनाने लगी हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हर किसी को मैक्रोनी बनाने आती ही है। मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है, 2 खाने का चम्मच, 1 कटी हुई प्याज, 3 से 4 टमाटर को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, वो डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन, ये सब चीज़ें डालकर इसको उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सूखा खोपरा, आप चाहे तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसमें डाल दिया था 1 चिकन क्यूब, वो भी डालें, बहुत मज़े का होता है। अगर चिकन ना हो तो भी डालें, अगर चिकन हो तो भी डालें। डालकर एक बार इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। इसके बाद मैं डाल दूँगी मैक्रोनी। मैं एक आदमी के हिसाब से मैं डाल दूँगी 1 मुट्ठी भर की मैक्रोनी। ऊपर से 2 एक्स्ट्रा डाल दूँगी। मैं इसी तरह से अंदाजन बनाती हूँ, क्योंकि पैकेट किलो किलो के आते हैं तो किस तरह से डालना, मैं इसी तरह से डाल लेती हूँ। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच खाने का नमक मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं मसाले में पहले भी नमक ऐड किया हुआ था। तो केटल में मैंने पानी गरम कर लिया था, तकरीबन 1.5 लीटर का केटल का है वो। तो पानी गरम करके इसमें डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी से बन जाएंगे। अभी लेट भी हो चुका है ब्रेकफास्ट के लिए, तो इसी तरह से प्रेशर कुकर में लगा दूँगी। बस 2 बजे आने पर मैं प्रेशर कुकर खोल दूँगी, क्योंकि और चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी मैक्रोनी भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से मैं कभी जल्दी बनाना हो तो मैक्रोनी इस तरह से बना लेती हूँ। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और पसंद से खा भी लेते हैं। अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। आप देख सकते हो साइड में मेरा सारी सब्जी इसी तरह से पड़ी थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाया, जिस तरह से बाजार से सब्जी आई हुई थी तो मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। मेरे कोकोनट रिफिल करने लगी हूँ, क्योंकि जार में हो चुका था। वेबसाइट में इसको भी क्लीन कर लूँगी। आप ये देख सकते हो, जूसर मेरे हस्बैंड सऊदी से 25 साल पहले लाए हुए थे। इस तरह से काम करते हो तो बच्चे भी बीच में आते हैं, ये खोल के दे वो खोल के दे, तो बच्चों को सॉस के पैकेट भी बीच में खोल के देने लगी हूँ। बीच बीच में बच्चों के भी थोड़े बहुत काम करने लगी हूँ। आप देख सकते हो मेरी कड़ी पत्ता भी कितना मुरझाया हुआ है, और मेरा पुदीना भी देखिए कितना मुरझाया हुआ है। सारी सब्जियों को सारी इसी तरह से मैंने छोड़ दिया था। इस सबको अलग करूंगी और हरी मिर्च की डेट भी तोड़कर उसमें अलग से रखूंगी। इसी तरह से ये मैं सब्जियों को चुनते चुनते मैक्रोनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हो मेरी भाजी भी इसी तरह से पड़ी हुई थी, अंबड़े की भाजी, चुटके की भाजी। मैं इसकी रेसिपी भी मैं नेक्स्ट में दूंगी। बहुत मज़े की बनती है इसकी भाजी, किस तरह से बनाते हैं। ये सब तोड़कर मैं ही पैक करने लगी थी कि इधर मेरी मैक्रोनी बन चुकी थी। और मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालकर और थोड़ा सा गिलास पानी डालकर मैं गर्म पानी इसको मिक्स कर दूंगी और बच्चों को सर्व कर दूंगी। अभी मैं भी नाश्ता करने लगी। ये सब करने तक 3:30 बज चुके थे। नाश्ता करने के बाद फौरन ही मैंने चाय चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए सब चीज़ें लेट लेट से ही 1 दिन पहले से होने लगी थी। अब मैं चाय को छानने लगी हूँ और सबको सर्व करने लगी हूँ। सब चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर बातें करने लगे। इसी तरह से गया था कल का दिन, बिल्कुल भी वेस्ट गया था मेरा, कुछ भी काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। चाय पी कर थोड़ी रिलैक्स हुई मैं, थोड़ी आराम की, थोड़ी सी बातें की।
अब ये जो भी आप देखते कलरफुल कितना खूबसूरत सा बल्ब है, ये मुझे मिला गिफ्ट मेरी छोटी भाभी की तरफ से, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ प्लांट्स की तरफ, प्लांट को थोड़ा सा देखभाल करने लगी हूँ कि इनको पानी डालें, कुछ सूखा है कुछ क्लीन है कुछ नहीं, इस तरह से मैं प्लांट्स की तरफ आ चुकी हूँ। प्लांट्स वगैरह सब देखने के बाद अब मैं किचन में आ चुकी हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। आज मेरे अफवान की रिक्वेस्ट पर मैं बनाने लगी हूँ कब्सा। बच्चे को अफवान को बहुत पसंद है कब्सा, हमेशा कब्सा बनाओ अम्मी जी, कब्सा बनाओ अम्मी जी ये कहता है, तो इसलिए मैं आज उसकी रिक्वेस्ट पर मैं बनाने लगी हूँ कब्सा। मैं 1 किलो चावल के लिए 2 लहसुन ले लिया है, इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी 1 किलो कब्से के लिए। इसकी पहले की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आप लोगों को मैं है लिंक दे दूँगी। तो ये थोड़ा अलग किस्म से मैं बनाने लगी हूँ, इसमें बिल्कुल भी चिकन ऐड नहीं करूँगी इस कब्से में। पहले कब्से में जो था चिकन में डाली हुई थी, उसके पानी से मैंने कब्सा बनाया हुआ था। इस बार मैं इस तरह से नहीं, कुछ हट के अलग तरीके से कब्सा बनाने लगी हूँ। इसकी रेसिपी आपको मुकम्मल मैं दूँगी। लहसुन हमारा चॉप हो चुका था तो मैं इसको साइड में रख लिया है। 1 किलो चावल के लिए 2 साबुत लहसुन ले लें और 2 से 3 प्याज को मैंने वो भी चॉप कर लिया है बारीक, इसी तरह से वो भी साइड में रख लें। अब मैं बनाने लगी हूँ कब्से की चटनी, इसके बगैर कब्सा बिल्कुल भी अधूरा है। कब्से में 2 चटनी यूज़ किए जाते हैं, तो मैं सबसे पहले टमाटर की चटनी बनाऊँगी। 1 पतीला ले लें, पतीले में 6 से 7 टमाटरों को एकदम बारीक सा पेस्ट कर लें, वो डाल दें। इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 5 से 6 कटे हुए हरी मिर्च। इन सब चीज़ों को मिक्सर के पकने के लिए छोड़ दें, ये पकता रहेगा तो मैं साइड में इसका तड़का दूंगी। आप चाहे तो तड़का पहले देकर भी ये चीज़ें डालकर बना सकते हो, तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, कभी उस तरह से भी बनाती हूँ। अब मैं सब चीज़ें पकने के लिए छोड़ दूंगी, बाद में इसका तड़का बना लूँगी। ये एक साइड पकता रहा तो मैं दूसरी साइड इसके तड़के के लिए मैं एक पैन ले लूँगी। पैन में मैं डाल दूँगी इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, डालकर थोड़ा हल्का सा इसको रोस्ट करूँगी। इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 प्याज बारीक चॉप की हुई, थोड़ा बिल्कुल सा इसको हल्का सा इसको गोल्डन करें। ये थोड़ा हल्का सा गोल्डन हो चुका है तो अब मैं जो पैन में टमाटर पकने लगे हैं इसमें डाल दूँगी, डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतना पके कि टमाटरों का जो भी पानी होगा उसका कच्चापन होगा इसको अच्छी तरह से ख़त्म कर लें। फिर आखिर में हम बारीक हरा कटा हुआ धनिया डाल दें, डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख दें। ये बहुत मज़े की चटनी होती है टमाटर और हरी मिर्च के साथ, ये कब्जे में बहुत मज़े की होती है। ये साइड में पकता रहेगा, मैं दूसरे साइड एक पतीला ले लूँगी। 1 पतीला ले लिया मैं, 1 पतीला में 1 कप खाने का कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसके साथ मैं 2 तेज़पात डाल दूँगी और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दूंगी, ये कब्से के लिए है। अब ये साबित मसाले में डाल दूंगी, ये मसालों में है सफ़ेद जीरा, सौंफ, साबित धनिया और लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें हैं। इन सबको थोड़ा हल्का सा रोस्ट करूंगी। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ जो साबित लहसुन हमने चॉप कर लिया था वो डाल दूंगी। 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया था वो भी डाल दूंगी, दोनों इकट्ठे ही डालूंगी मैं। इनको थोड़ा हल्का सा सॉटे करेंगे, इसको भी हम गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट करना है। साफ करने के बाद इसको अच्छी तरह से 1-2 चम्मच चला लें। ये बहुत मज़े का कब्सा तैयार होता है, हमारे घर में सबको पसंद है और अब अफवान को भी बहुत पसंद है। कुछ भी बनाओ तो अम्मी जी कहता है कि आप कब्सा बना लें, प्लीज़ कब्सा बना लें, मैं खाऊँगा। इसी तरह से इसको बहुत पसंद है कब्सा, कोई भी चीज़ नहीं खाता है। चावल थोड़े मीठे मीठे और फीके फीके होते हैं उसको पसंद आ जाते हैं। कोई भी तेज़ बिल्कुल भी नहीं खाता, अगर तेज़ भी हो तो बगैर घी के नहीं खाता। इसमें मैंने डाल लिया 2 टीस्पून नमक, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा हल्का सा कलर देंगे हम इसको, बिल्कुल वाइट भी नहीं करेंगे। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई करें ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं 2 से 3 हरी मिर्च तोड़कर डाल दूंगी, क्योंकि हरी मिर्ची का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने हरी मिर्च भी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी, अपने
चावलों के हिसाब से पानी डालें। मैंने इसमें 2 चिकन के क्यूब्स भी डालूंगी। चिकन के क्यूब ज़रूर डालें क्योंकि हम इसमें चिकन को बॉयल नहीं करने वाले हैं, इसलिए चिकन स्टॉक डालें। बहुत मज़े का होता है इस तरह से डालें। चिकन स्टॉक डाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा नमक हाथ रोक कर डालें। मैं 2 डाली हूँ 1 किलो चावल के लिए और 2 टीस्पून नमक डाली हूँ। वरना अगर आप चिकन कॉर्न क्यूब्स स्किप करना चाहते हैं तो 2.5 स्पून 1 किलो के लिए नमक डालें। आधा घंटा के पहले मैंने चावलों को भिगो के रख लिया था, वो डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस पर दम आने तक हम इसको पका लेंगे। कितनी प्यारी कितनी सौंधी खुशबू आने लगी है। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही सिंपली बनता है और खाने में बहुत मज़ेदार होता है। इस तरह से मैं बनाती हूँ कब्सा। तब कब्सा पकने लगेगा और दम पे आने लगेगा। मैं क्या करने लगी हूँ दूसरे सेट और इसके लिए चिकन की तैयारी करने लगी हूँ। मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इस तरह से बनाकर देखें बहुत मज़े का होता है। आधा कप तकरीबन मैंने दही ले लिया है। दही ज़रूर डालें क्योंकि थोड़ा खट्टा खट्टा सा चिकन पकौड़ा बहुत मज़े का होता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 लेमन जूस। तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन पड़ा था तो मैं इसके हिसाब से डालने लगी हूँ। 3 टेबलस्पून डालेंगे चिकन पाउडर, आप कौन से भी ब्रांड का ले सकते हो। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून डालें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिकन में कड़ी पत्ते से। ज़रूर डालें और ट्राई करें, बहुत मज़े का होता है और खुशबू भी चिकन में बहुत अच्छी आती है। चिकन में कलरफुल थोड़ा डार्क डालें, हमेशा बुश का कलर लें, बुश ब्रांड का, ये बहुत कलरफुल होता है और थोड़ा डालने से बहुत अच्छा कलर आता है। कोई भी नॉर्मल ब्रांड का लें तो कलर ज़्यादा डालना पड़ता है और कलर ज़्यादा खाना भी फूड कलर सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए बुश ब्रांड का ले लें, थोड़ा सा डालें और कलरफुल रहेगा। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मेरे चिकन में थोड़े से चिकन पाउडर के थोड़े लम्स थे तो उसको सॉफ्ट करने लगी हूँ। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी चिकन। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि चिकन में मसाला अच्छी तरह से रस बस जाए। दूसरे सेट कब्सा हमारा दम पे आ चुका है। एक बार इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दम पर छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। बहुत प्यारी बहुत सौंधी खुशबू आने लगी है। दूसरे सेट हमारी टमाटर की चटनी पककर तैयार हो चुकी है। साइडों से हल्का हल्का सा आयल भी छूटने लगा है और टमाटर का पानी भी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसमें हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके साइड में रख दूंगी। अब दूसरे साइड में बना लूंगी चिकन फ्राई। कढ़ाई मैंने तेल ले लिया, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब इसमें 1-1 पीस करके मैं चिकन के डाल दूंगी। दोनों साइडों को चेंज करते हुए चिकन फ्राई कर लें। इस तरह से बनाकर देखें, हमारे घर में इस तरह से बहुत पसंद से बच्चे बड़े सब बहुत पसंद से खाते हैं। आप भी बनाकर देखें, बहुत मज़े का सिंपल तरीके से कब्सा 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये कब्सा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और दम भी हो चुका। कितना खिला खिला सा तैयार हुआ है आप देख सकते हो। जो भी चिकन के पानी से बना हुआ कब्सा नहीं खाए खाने वाले होंगे, इस तरह से आप बना कर देखें, उससे भी ज़्यादा बहुत मज़ेदार का होगा। आप लोगों को मैं गार्निश करके बताऊंगी, चिकन भी और चटनी के साथ और कोथिंबीर के साथ गार्निश करके आप लोगों के साथ मैं बताऊंगी। चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। मैंने कब्जे पर गार्निश करना शुरू कर दिया है। गर्मा गर्म कब्जे पर मैंने चिकन रख लिया और इसी के साथ थोड़ा हरा धनिया के साथ और टमाटर की चटनी और हरी मिर्च की चटनी के साथ इसको गार्निश करूंगी। मुझे ध्यान ही नहीं था कि हरी मिर्च की चटनी आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने 6 से 7 हरी मिर्च, 1/2 टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया नमक डालकर दरदरा सा ग्राइंड किया हुआ था। ये चटनी बहुत मज़े की होती है। कब्जे में थोड़े टमाटर की चटनी डालें और हरी मिर्च की चटनी डालकर दोनों चटनियों को एक साथ मिक्स करके और खाकर
बनाकर देखिए, बहुत मज़े का बहुत यम्मी खब्जा तैयार हुआ है। आप लोगों को रंग बिरंगा खब्जा आपको कैसा लगा, कितना कलरफुल, कितना यम्मी। ये दोनों चटनियों के बगैर हमारा खब्जा बिल्कुल भी अधूरा है। ये दोनों चटनियों के साथ आप खब्जे को ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का है। पहले वाले खब्जे की रेसिपी भी आप मैं लोगों को लिंक में डाल दूँगी। खब्जे की रेसिपी और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।